कहते हैं प्रतिभा, हुनर, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता, और अगर इन्हें एक मौका मिल जाए तो ये अपना नाम ज़रूर रोशन करते हैं। और ऐसे ही हौसले रखते हैं रामेश्वर गुर्जर। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी तरह की सुविधाएं तो नहीं मिलती, लेकिन उसके बाद भी दमखम रखते हैं अच्छे खासे लोगों को दौड़ में पछाड़ने का। शिवपुरी जिले की नरवड़ तहसील का रामेश्वर उर्फ दरोगा उस समय चर्चा में आया जब रामेश्वर का एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में रामेश्वर 11 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी करता दिखाई दे रहा है। रामेश्वर ने बताया है कि वायरल वीडियो उसी का है और वो इस बात का दम भर रहा है कि वो देश के लिए एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। मैंने अभी तक यहाँ पर 11 सेकंड और कुछ ऊपर भी पल्स में कुछ नीचे उतारी आती 11 सेकंड से करीबन ऐसे में मारता रहता हूँ। अभी एक वीडियो आया था आपका? हाँ सर। जिसमें आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं, आपके पास जूते तक नहीं है? सर जूते नहीं थे मेरे पास, सर ने जूते दिलवाए मेरे को, मेरे पास चप्पल थी, चप्पल में रनिंग नहीं होती तो मैं चप्पल से रनिंग करता था, तो मैंने कोई चप्पल तो दिक्कत देगी तो मैंने नंगे पैर दौड़ की थी। हाँ सर मेरे को उम्मीद है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मेरे को अच्छी सरकार ने फैसिलिटी दी तो मैं ये कर सकता हूँ। वहीं दरोगा के पिता का कहना है कि उसके पास अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, अगर सरकार कुछ मदद करे तो निश्चित ही वो मेरा नाम रोशन करेगा। दौड़ता है आपको पता है? बहुत अच्छा दौड़ता है। अब मैं तो बाबूजी जाते रहेंगे कहाँ बताओ आपको, कहाँ सब हम कुछ देखो तो रही फटी नहीं छिड़ पा रही हूँ, कैसा लगे जी बेसी लगा रहे हैं पता है दौड़ के देश का नाम रोशन जो कह रहे हैं। कन्या बाबू खुराक होती खुराक बाबू में खुराक रामेश्वर के कोच राजेंद्र रावत जो कि एक शिक्षक हैं, उनका कहना है कि रामेश्वर जरूर देश का नाम रोशन करेगा। उन्होंने बताया है कि जब मैंने रामेश्वर को देखा तब इसके पास जूते भी नहीं थे, लेकिन मैं रामेश्वर की पूरी मदद कर रहा हूं ताकि वो आगे बढ़ सके। नहीं वो दौड़ता रहता था, मैंने उसके अंदर जो स्टेमिना देखी, मैं हमेशा यहाँ बच्चों को खिलाता रहता हूँ कहीं क्रिकेट कहीं बैडमिंटन कहीं वॉलीबॉल, तो जब मैंने इसके अंदर एक स्टेमिना देखी तो ये अलग ही दिखी, जितनी स्फूर्ति उसके अंदर है वो मेरे को कहीं नहीं दिखी। तो मैंने जाके इससे कहा कि आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, तुम देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो, रनिंग अपनी जारी रखो। हमने इस विषय को माननीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखा है तो कुछ हमारी बात पर अमल किया गया, जैसे पूर्व में जो सरकार थी उन्होंने ये ग्राउंड की बहुत बदतर हालत थी तो उन्होंने इस ग्राउंड को बहुत इस काबिल बनाया कि जहां बच्चे अभी खेल सकते नहीं तो ये खेलने लायक नहीं था। वहीं रामेश्वर का वायरल वीडियो देखने के बाद मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने रामेश्वर को भोपाल बुलाया है। यदि सरकार रामेश्वर की मदद करे और किसी अच्छे कोच से ट्रेन कराए तो वो दिन दूर नहीं जब वो उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दे। अनारी टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।